नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में 24 घंटों में 1543 नए मामले और 62 लोगों की मौत। मेहनत कश भारत के बिना ना चलेगा काम, उषा रामनाथन। मोदी और भागवत तक को नहीं सुनेगा बीजेपी नेता। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यानी 27 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर 28 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 1543 नए मामले सामने आए और 62 लोगों की मौत हुई है। साथ ही राहत देने वाली बात यह सामने आ रही है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में 684 मरीजों को इस बीमारी से ठीक किया जा चुका है। देश में अब तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 29,435 हो गई है, जिसमें तकरीबन 23% यानी 6,869 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और 934 लोगों की इससे जान गई है। देश में अभी भी 73% यानी 21,632 सक्रिय मामले मौजूद हैं। ICMR द्वारा आज सुबह 9 बजे के जारी आंकड़ों के अनुसार 716,733 सैंपल की जांच अब तक की जा चुकी है, जिसमें 50,914 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटों में हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले 3 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से 522 मामले और वहाँ 27 लोगों की मौत हुई है। गुजरात से 247 मामले और वहाँ 11 लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ दिल्ली से 190 मामले सामने आए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश से 87 मामले और 2 लोगों की मौत, आंध्र प्रदेश से 86 मामले, राजस्थान से 77 मामले और 13 लोगों की मौत, मध्य प्रदेश से 72 मामले और 7 लोगों की मौत, बिहार से 71, तमिलनाडु से 52, पश्चिम बंगाल से 48, जम्मू कश्मीर और केरल से 23-30 मामले और जम्मू कश्मीर में 1 की मौत भी हुई। उड़ीसा से 15 मामले आए हैं, चंडीगढ़ से 10 मामले, कर्नाटक से 9 और 1 की मौत, हरियाणा से 7, तेलंगाना से 2 मामले आए हैं और एक एक नया मामला सामने आया है उत्तराखंड और पुडुचेरी से। साथ ही देश के 13 राज्य ऐसे भी हैं जहां से कोई नया मामला पिछले 24 घंटों में नहीं आया है, जिसमें पंजाब, झारखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार, असम, लद्दाख, मेघालय, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद और भूख तथा आधार पर सघन काम करने वाली डॉक्टर उषा रामनाथन ने वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह से बातचीत की। डॉक्टर रामनाथन ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान भूख और बेबसी से कैसे निपटा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने साथ ही साथ आरोग्य ऐप से जुड़े निजता के हनन के सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने कोरोना से जो सबक सीखना चाहिए उन पर भी प्रकाश डाला और कहा कि मेहनतकश भारत की सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ विकेंद्रीकरण जरूरी है। आइए सुनते हैं उन्हें। अहम सवाल है वो है माइग्रेंट वर्कर्स का, मजदूरों का, जो हमने देखा बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में वो वापस जा रहे थे और अब लोगों को चिंता हो रही है कि वो अगर वापस नहीं आए, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा, हो सकता है फिर जो लोग रह गए थे वापस चले जाएं, वापस नहीं आएंगे तो फिर इकोनॉमी का क्या होगा। इन कर्नाटका हाईकोर्ट किसी ने केस दर्ज किया है वहाँ कि अभी कहा जा रहा है कि अगर मजदूर लोग जो हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वहाँ पे सिटीज़ के अंदर या स्टेट के अंदर, उनको टेस्ट करके काम पे भेज सकते हैं, लेकिन अगर टेस्ट करके पता चलता है कि वो नेगेटिव हैं एंड दे आर ओके, दे कैन मूव एंड दे कैन वर्क अमंग अदर पीपल, वो वापस घर नहीं जा सकते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटिंग पीपल एज लेबर एंड ट्रीटिंग पीपल एज सिटीजन्स। अगर माइग्रेंट लेबर को सिर्फ लेबर दिखाया जाता है, वी सी देम लाइक दैट, तब क्या होगा? हम यही सोचेंगे कि वो पॉलिसी ऐसा ही हमें फिक्स करना है जिसमें वो दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, काम करते रहे, लेकिन वो सिटीजनशिप अगर उनके हाथ में है और हम समझते हैं कि उनका सिटीजन, वो भी सिटीजन है, फिर चॉइस उनके हाथ में कि वेदर यू वांट टू गो बैक होम। और हमें पता है अभी कि बहुत लोग वापस घर जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो बैक होम बिकॉज सो मच अनसर्टेनिटी हैज बीन क्रिएटेड। दे माइग्रेंट लेबर मूव्स टू वर्क, काम करने के लिए वो चलते हैं एक जगह, बट देयर कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज विद देयर फैमिलीज एंड मेनी ऑफ देम आर पीपल जो फैमिली कहीं है और ये लोग कहीं है, दे आर द ब्रेडविनर्स, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेनी थिंग्स दैट हैपन देयर एंड दैट इज देयर सपोर्ट। तो हमें ये कहना कि काम में जाना है तो हम आपको टेस्ट करके भेजेंगे, लेकिन अब अगर घर जाना है हम नहीं करेंगे, दिस इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। ये जब कर्नाटका हाईकोर्ट में गया था
वहाँ का कोर्ट एक्चुअली बहुत बढ़िया कोर्ट है, और उन्होंने कहा आपने वो जो मार्च एंड में ये पॉलिसी निकाला था उसको आपने चैलेंज नहीं किया, इसलिए हम उस पर नहीं कहेंगे, लेकिन टू टेक केयर ऑफ माइग्रेंट्स जो हमने कहा है उसको हम डेवलप करेंगे। प्रॉब्लम कर्नाटका हाईकोर्ट का ये भी था, शायद था कि वो कह सकते हैं कि कर्नाटका से जाना है, लेकिन बाकी स्टेट्स के लिए उनका उनका ऑर्डर तो नहीं चलेगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो सुप्रीम कोर्ट को करना मुमकिन भी है और ज़रूरी भी है, टू बी एबल टू कंसिडर द डिफरेंस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स बिटवीन बींग वर्कर्स एंड बींग सिटीजन्स। वेन यू आस्क, ऐसी वाली स्थिति में क्या सवाल पूछ सकता है, ऐसी वाली सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा अभी भी हमने देखा कि जो लोग जा रहे थे हज़ारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स सड़कों पे दिखाई दिए, दिल्ली में तमाम मेट्रोज में, गुजरात, मुंबई, कर्नाटका, तमिलनाडु, और उनके बारे में जो पूरे नीति निर्धारक थे उनका एटीट्यूड एक ही ढंग का था। बाद में उनको रोक दिया गया, अब थोड़ा सा हो रहा है कि जहाँ पर लोग बुला रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर नीति के, अगर पॉलिसी के लेवल पर आप देखिए तो हिसाब यही था कि उनको यहीं रुक जाना चाहिए, वे नहीं जा सकते, जबकि हम बाकी वर्कर्स को या बाकी जो बच्चे जो पढ़ने गए थे, बाकी विदेश से जो लोग गए थे, हमने वहाँ तक इंतज़ार किया कि वो लोग आ जाएं अपने यहाँ। जब लॉकडाउन हुआ था, ये प्रॉब्लम ये था कि 4 घंटे के अंदर अंदर सारे राज्यों को इसकी मतलब दैट्स द वे फॉर एनी पॉलिसी टू इवन बी अनाउंस्ड। इट वॉज अ बैड आइडिया टू डू इट, बिकॉज 8 बजे बताएंगे, even other state governments will have to prepare for their own people, and if there is no arrangement made, log kahan jayenge? So that was a big problem. But to say that us samay agar kehna tha ki nahi abhi kahin mat jao because we have to contain it, make sure ki ye nahi phailega, usme I think there is some sense in that. It's not an unfair kind of but it has to be done by taking people into confidence. Ye problem ye hai ki sara top down, हम कहेंगे आप जब जा सकते हो, हम कहेंगे आप कैसे जा सकते हो, हम सब सारी चीज़ को बंद करके कहेंगे कि आप यहीं रुक जाओ, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने आप संभाल लो, दैट विल नॉट वर्क। जब पता था कि लॉकडाउन होने वाला है, जब पता था कि इतने सारे मजदूर हैं जो ट्रैवल करते हैं, जब ये सब पता था उसके बारे में भी कुछ लोगों से पूछना भी था और कहना भी था उनसे, वो सब नहीं हुआ। सो द प्रॉब्लम इज नॉट, आई वोंट से दैट पहला लॉकडाउन में लोगों को एक ही जगह पे रखना और कहना कि यहाँ से मत जाओ, उसमें कोई बड़ी गलती थी, आई वोंट से दैट, लेकिन जैसा हुआ इट बिकेम लाइक अ टॉप डाउन, इट बिकम्स ओप्रेसिव, हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है हमारे, एक और चीज़, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो ग्राउंड रिपोर्ट्स की उसमें सारे जो मजदूर थे वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा पाए इसलिए भूखों मर रहे हैं, अगर हम गांव चले गए होते, हमने सरकार की बात पे विश्वास कर लिया और हम यहाँ रह गए और हमें लगा कि इतने दिन हम यहाँ झेल सकते हैं, और अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं और हमें भिखारी बना दिया, हमें सड़क पे खड़ा कर दिया। पहले हम कह रहे थे कि 1980s तक हम पॉवर्टी के बारे में ही बात करते थे, 1980s में हमने रिकग्नाइज किया कि ये पॉवर्टी एक स्टेटस जैसा लग रहा है, पीपल आर नॉट पुअर, there are many ways in which people are made poor, they become poor and they become poorer over a period of time. Wo mass displacement projects ke liye jab tha usi mein it was very clear to see, so tab humne realize kiya ki nahi poverty ke baad ek impoverishment hota hai, policies ke karan people aur poor hote hain, and the classic case was jab land acquisition ho raha tha, project affected people ko kahin jagah nahi tha, सिर्फ जिसके हाथ में जमीन था सिर्फ उनको रिकग्नाइज किया जाता था, बाकी सब इनविजिबल हो गए ये पॉलिसीज में। देन बाय द लेटेस्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट विच केम लेस देन अ डेकेड अगो, देयर फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव लॉ अक्नॉलेज प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, इतना साल लगा। सो यू थिंक अबाउट व्हाट इट मीन्स जब हम अक्नॉलेज भी नहीं करते हैं एक प्रॉब्लम। अभी ये जो माइग्रेंट वर्कर्स का है, आई थिंक ऑल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सिट डाउन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। 1979 में एक कानून आया था, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट, उसके अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर उनको रजिस्टर करके लाइसेंस लेके तभी लोगों को माइग्रेंट लेबर ला सकते हैं, वो कानून कहीं भी लागू नहीं हुआ।
1979 का आप जाके देखिए, 1982 में एशियाड हुआ था, आप जाके देखिए कि उसका कोई रिकॉर्ड है कि कितने लोग, एंड देन से कहेंगे कि नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं आए, एक एक करके आए थे, एक एक करके कोई, बहुत कम लोग आते हैं, दे कम यू नो वन अमंग देम मे बिकम द कॉन्ट्रैक्टर. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, अगर ये कानून सीरियसली लिया गया था एंड इफ द गवर्नमेंट वर गोइंग टू रिस्पेक्ट द लॉ, तब वी वुड हैव नोन कि कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं, कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कहाँ है. अभी तो कुछ भी नहीं पता था. सो पीपल वर लेफ्ट इन द लर्च टू यू नो टू डील विद इट फॉर देमसेल्व्स. और मिस्टर अमिताभ कांत का एक एम्पावर्ड कमिटी जो है, उसमें व्हेन ही कॉल्ड द फर्स्ट मीटिंग एंड इट वाज रिपोर्टेड, उसमें लिखा गया है कि वी कॉल्ड प्राइवेट इंडस्ट्री बिकॉज वो सैनिटाइजर और ये यू नो ऑल द अदर थिंग्स हैव टू बी मेड. वी कॉल्ड वर्ल्ड बैंक एंड यूएन एजेंसीज क्योंकि कभी पैसे का जरूरत हो सकता है. और एनजीओज को बुलाया गया क्योंकि एनजीओज को स्ट्रीट वेंडर्स होमलेस पीपल कहाँ है ये पता होगा नहीं, पता होगा नहीं, उनके बीच में इनको काम करना है. महामारी के इस दौर में बीजेपी के नेताओं द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कथित तौर पर इस भेदभाव भरे व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाई है. न्यूज़ चक्र के नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा बात कर रहे हैं कि मोदी और भागवत की कथित तौर पर सांप्रदायिकता न फैलाने की बात को भी कई बीजेपी नेता नकार रहे हैं. आइए सुनते हैं उन्हें. आप और हम जो अपने घरों में सुरक्षित है ना, आप और हम जो इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है, आपको अंदाजा नहीं कि आप और हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आगरा की एक तस्वीर. जी हां, वही आगरा जिस आगरा मॉडल की दुहाई दे रहे थे बीजेपी आईटी सेल वाले. आगरा के अंदर आप देखिए यह तस्वीर है, यह वीडियो है एक क्वारंटीन सेंटर का. इस दरवाजे के पीछे, गेट के पीछे तमाम कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं और इनको साथ देखिए किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, किस तरह से इनको पानी फेंका जा रहा है, बिस्किट्स फेंकी जा रही हैं, मानो ये इंसान नहीं है, मानो इनका अपना खुदा भी नहीं है. और इनके साथ ऐसा बर्ताव कौन कर रहा है? इनके साथ बर्ताव वो कर रहे हैं जिनके पास तमाम तरह के प्रोटेक्शन किट्स हैं. ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है, ये वीडियो ये लगातार आपको बतला रहा है कि बावजूद इसके कि मेडिकल वर्कर्स को पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिल गए हैं, उनमें फिर भी विश्वास नहीं है. इससे पता चलता है कि कोरोना संकट के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें कितने ज्यादा छेद हैं, कितने जबरदस्त लूप होल्स हैं. इस तथाकथित आगरा मॉडल का वीडियो वाकई मुझे निशब्द कर रहा है और सबको करना चाहिए, क्योंकि यह बता रहा है कि कोरोना वायरस सही मायनों में मरीज और वो शख्स जो अभी इससे संक्रमित नहीं है उसमें कितनी बड़ी दूरी बना रहा है. और हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? हमारे राजनेता इस वक्त भी हमारे बीच मेंटल डिस्टेंसिंग बनाने का काम कर रहे हैं, मानसिक दूरी बनाने का काम. यह महज इत्तेफाक नहीं है कि तीन लोग दो दिनों में एक ही किस्म का संदेश देते हैं. सबसे पहले आपके सामने सरसंघ चालक मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिए. मोहन भागवत कह रहे हैं, अगर कोई गलती करता है तो पूरे समूह को नहीं लपेटना, पूरे समाज से दूरी नहीं बनानी चाहिए. 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है और अपना बंधु है. डॉक्टर मोहन भागवत ने यह बात कही है तबलीगी जमात मरकज मामले के बाद जो पूरा प्रकरण हुआ है, क्योंकि उसके बाद हो क्या रहा है कि देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का काम या सोशल बॉयकॉट का काम शुरू हो गया है, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है. और कुछ यही बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल. भगवान ने जब दुनिया बनाई थी तो उन्होंने इंसान बनाए थे, दीवारें तो हमने बनाई. अगर हमारे देश के सब लोग मिलकर प्यार मोहब्बत से काम करेंगे तो हमारे देश के आगे सारी दुनिया को झुकना पड़ेगा, यही संदेश अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं. जी हां, अब गौर कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में क्या कहे. रमजान दिस ईयर इज टेकिंग प्लेस व्हाइल वी आर इन द मिड्स ऑफ अ बैटल अगेंस्ट कोविड-19. रमजान एक ऐसे दौर में हो रहा है, एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम कोरोना संकट से मुकाबला कर रहे हैं. प्रधानमंत्री आगे क्या कहते हैं, अगर हम सही वक्त पे सही प्रिकॉशंस उठाएंगे तो आने वाले ईद उल फितर में हम सामान्य तरीके से इसका लुत्फ उठा पाएंगे, ईद मना सकेंगे. जी हां, मैं आपको बताऊंगा
कि इस सीख से कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी सबक नहीं ले रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप जानते हैं इस वीडियो में यह शख्स क्या कर रहा है? यह अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। और यह कौन है? यह तबलीगी जमात का एक शख्स है। जी हां, वही तबलीगी जमात जिसके चलते देश में कई हिस्सों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला। आज कम से कम 300 तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इनका ब्लड प्लाज्मा कोरोना वायरस से लड़ने के काम आए। हम जानते हैं दोस्तों कि तबलीगी जमात से ढेरों गलतियां हुई, क्योंकि जो लोग इस आयोजन में आए थे, खासकर ऐसे देशों से जो लोग आए थे जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, इन्हें उसी वक्त क्वारंटीन कर देना चाहिए था। फरमान जारी हुआ था कि इस तरह की आयोजन ना हो तो तबलीगी जमात या निजामुद्दीन में इस तरह का आयोजन ही होना चाहिए था। मगर आपने भी तो गलती की ना, आपने भी सरकार से यह नहीं पूछा कि आखिर तबलीगी जमात के ये विदेशी डेलीगेट्स हमारे देश में प्रवेश कैसे हुए? क्योंकि हमारी सरकार तो 15 जनवरी से मुस्तैद है ना। 15 जनवरी से हमने किसी भी ऐसे व्यक्ति को देश के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जो कोरोना वायरस से संक्रमित है। चलिए, मैं आपकी इस बात को भी मानने को तैयार हूं कि ये जो तमाम तबलीगी जमात के लोग थे ये 15 जनवरी से पहले आए। तो फिर आपने क्या कभी खुद से ये सवाल पूछा कि ये आयोजन, इसकी अनुमति गृह मंत्रालय ने क्यों दी, दिल्ली पुलिस ने क्यों दी? आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि जहां ये मरकज हुआ उसके बिल्कुल साथ में निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है, वो क्या कर रहे थे? ये तमाम बातें मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, कोई नई बात नहीं है। मगर ये वीडियो फिर देखिए, तबलीगी जमात का ये शख्स अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। अगर हम इन्हें कसूरवार ठहराते हैं तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा कसूरवार उन अथॉरिटीज का है जिन्होंने इस मरकज को होने दिया। मगर अब जबकि गलती हो गई तो हमें भविष्य की ओर देखना है। हमें देखना है कि इस तरह की घटनाएं हमें दोहराव पैदा ना करें। और कहीं ना कहीं चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जिन्होंने खूबसूरत संदेश दिया रमजान के मौके पर, या मोहन भागवत, अरे कम से कम डॉक्टर मोहन भागवत की तो सुन लो। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।